पुलिस बैरियर को पार कर लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ते किसान नेता राकेश टिकैत खैराबाद टोल प्लाजा पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को डिटेन करती यूपी पुलिस और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रोकती यूपी पुलिस। लखीमपुर खीरी नरसंहार के खिलाफ लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश करने वाले तमाम नेताओं को योगी की पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। किसी नेता को हाउस अरेस्ट कर दिया गया तो किसी को बिना वारंट के ही हिरासत में ले लिया गया। रात भर यूपी की सड़कों पर जितनी संख्या में किसान राजनेता और उनके समर्थक थे उन्हें रोकने के लिए योगी ने अपनी पुलिस को ही उतार दिया। रात भर जबरदस्त घमासान चला। किसानों के नरसंहार के खिलाफ लखीमपुर खीरी कूच करने वाले किसान नेताओं और राजनेताओं को जगह जगह रोक दिया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने खैराबाद टोल प्लाजा से आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? वहाँ जाने के बीच में तो अभी और एक क्षेत्र पड़ेगा, कई थाने आएंगे, तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, यहीं पे है, यहीं पे बैरियर है, यहीं पे बैरियर है। तो मुझे ये बताओ कि आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता? नहीं, आपके लिए मना किया गया। किसने मना किया? मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, और पहले बताए नहीं आप फिर वही ऐसे कैसे नहीं मैं भी लॉयर हूँ, मैं भी जानता हूँ, आईपीसी भी जानता हूँ, एविडेंस भी जानता हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राह चलते व्यक्ति को रोक के आप कह रहे हैं कि हमने आपको अरेस्ट किया है, ये उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है? राह चलते व्यक्ति में और आपके साथ जो 25-30 गाड़ियां चल रही दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है? ये 25-30 गाड़ियां तो यहीं की है। नहीं, इसमें कम आपके साथ आई, इसी जिले की गाड़ियां 25-30 नहीं, 25-30 जिले गाड़ियां लेके चलना ये कहां का सर? कौन सा ये पुलिस तय करेगी? नहीं सर, कि कोई 25-30 गाड़ियां लेके चलेगा नहीं चलेगा। एक मिनट सर, जहां पे आप जाना चाह रहे हैं वहां पे हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है। अनुरोध की मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपका अनुरोध तो मान लो, बैठ ले, बैठ ले, बैठ ले, आपका अनुरोध तो मान लो, मगर ये किसका आदेश है? आप बैठ ले पहले, अभी हेलो पुलिस लाइन पे है, जल्दी आओ आप तो पीछे वहीं सीतापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी यूपी पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के मुताबिक पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है। अरे हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ, अगर कोई गलती कर रही है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ, छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला को कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने रात में ही लखीमपुरी खीरी निकलने का ऐलान किया तो यूपी पुलिस लखनऊ में उनके घर पर ही पहुंच गई और उन्हें घर से नहीं निकलने दिया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनका काफिला पुलिस बैरियर को पार कर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। Yeah!
पूरनपुर में राकेश टिकैत के साथ सैकड़ों समर्थक भी दिखाई दिए। राकेश टिकैत ने देर रात ये तस्वीरें ट्वीट की थी। दरअसल रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। एक वीडियो में मौर्य और मिश्रा के काफिले की एक गाड़ी में सवार शख्स किसानों को ठेंगा दिखा दिखा कर चढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान भड़की हिंसा में 3 किसानों की मौत हो गई। इसके अलावा 15-16 लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया है। किसान नेताओं की ओर से मृतकों को 1-1 करोड़ के मुआवजे और मंत्री के बेटे पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। धाराएं उसमें 302 उसमें लगेगी, लड़के का नाम 120 भी, ये सारी आएगी। मंत्री की बर्खास्तगी ये एक मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्त की। इन परिवारों को मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और ये रहे हैं। तो बर्खास्तगी पे प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? अभी प्रशासन को दे दिया है हमने कि ये है, आप सरकार से जाकर बातचीत आप कर ले। यानी अगर क्रमशः आप कहें तो आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की बिल्कुल बर्खास्तगी तो जाएगी भाई। केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहली, वो आप देख सकते हो, प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि फर्स्ट हमलाकर हुए हैं, उन्होंने हमला करा है। अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में हो जाए। तो किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो लड़का उनका है, टेक्निकल लड़का। अच्छा, उसने जिसने गोली चलाई, गाड़ियां चलाई चढ़ाई, उसकी गिरफ्तारी। यानी आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग, वो उसमें जांच में आएगा पूर्ण रूप से, 120 भी में आएगा तो गिरफ्तार भी होंगे। यस, तो आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। अगर ये सारी मांग मान ली जाती है तो? अरे मान ली जाती है तो मांग तो मान ली जाती है, उसी के लिए तो है अभी आप जी। तो ये जो दाह संस्कार है कब होगा? वो उसी के बाद में बातचीत होगी, अभी उनको बता दिया, वे बताएंगे, जवाब देंगे, क्या उनका कहना है। तो प्रशासन का क्या कहना था? अभी वो गए हैं, उनको दे दिया है पूरा जो पेपर है, वो दे दिया उनको कि जाकर आप सरकार से बातचीत करो। तो बताने को उन्होंने कहा? अभी हम तो बैठे हुए यही, अब तो वे बताएंगे, आप उनसे पूछो। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के साथ बर्बरता हुई, उससे एक बार फिर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। दोस्तों, द न्यूज वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।